प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे थे आपके 11th क्लास के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके थर्ड चैप्टर है। उसके अंदर बच्चों हमने 3.2 तक बेसिक कवर कर लिया और उसके क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए है। लेकिन बच्चों आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। वो ये है बच्चों कि आपका जो सिलेबस है वो आ चुका है। 11th क्लास की जो बुक है वो प्रीवियस जो RBSC की थी वो इस साल चेंज होके NCERT की लगी है आपके, और उसके अंदर कुछ नए टॉपिक्स भी आपकी बुक में ऐड किए गए हैं। जैसे थर्ड चैप्टर में मान लीजिए कि थर्ड चैप्टर के अंदर आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक नया टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वो ऐड कर दिया गया है, एक इनइक्वालिटीज यानी एसमिका ऐड कर दी गई है, और एक मैथमेटिकल इंडक्शन वो ऐड कर दिया गया है। यानी दो तीन टॉपिक हैं वो नए ऐड किए गए हैं, और जल्दी से जल्दी वो बुक्स भी आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप उनको लेने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, बाकी लगभग जो भी मैटर है वो चेंज हुआ है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपको जो भी करवाया जा रहा है आप उसको साथ साथ कवर कीजिए। हाँ, आपकी बुक चेंज हुई है वो मार्केट में आ चुकी है या एक दो दिन में आ जाएगी, नहीं है ये तो ठीक है। हाँ, सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है बच्चों, पहले RBSC का था, इस बार आपके सिलेबस NCERT का लगा दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग सिलेबस में कुछ थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, बाकी मेन टॉपिक वही है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री तो आपका सेम टॉपिक है स्टूडेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये मैं सोची कि वो टॉपिक बदल गया, टॉपिक कुछ नहीं बदला, टॉपिक वही का वही है। हाँ, कुछ एक दो बातें नई ऐड की गई है। ठीक है बच्चों, तो वो आप याद रखोगे। और बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा अभी डायरेक्टली एंगल, अब हम पढ़ेंगे कि जब दो अलग अलग एंगल दिए गए हों उनका योग अर्थात उनका एडिशन करेंगे तो क्या रूल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रूल होगा। तो सबसे पहले बच्चों चार केस होते हैं साइन का। साइन के अंदर एडिशन, जब दो एंगल का योग होता है कि साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी और कोट ए प्लस बी। अब बच्चों सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आई कि सर सैक और कोसैक क्यों नहीं है। वैसे तो बच्चों यहाँ पे टेन ना भी होता तो भी काम चल जाता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो साइन का रिवर्स होता है वो होता है कोसैक, कोस का सैक होता है और टेन का कोट। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ए प्लस बी साइन की वैल्यू पता हो तो उसको उल्टा कर दो, कोस किया जाएगी कोसैक किया जाएगी। लेकिन फिर भी इसका जो फॉर्मूले होते हैं बच्चों आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का होगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, ये होगा कोट ए कोट बी माइनस वन डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है स्टूडेंट, ये जो चार फॉर्मूले वो आपको याद रखनी है, ये बने कैसे उनके ऊपर भी हमारी चर्चा रहेगी, प्लस इनका यूज किया। तो सबसे पहले तो देखो इस फॉर्मूले को ऐसा जनरेट करना क्यों जरूरी समझा गया, भी इनको जनरेट क्यों किया गया, सबसे पहले माइंड में ये सवाल आता है कि कोई भी फॉर्मूला है वो हमने जनरेट क्यों किया है, उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, क्या अभी तक आपने साइन 75 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है? क्या अभी तक आपने भी 9th क्लास 10th क्लास 11th में भी हमने कुछ पढ़ा है अभी तक, उतने में क्या अभी तक आपने कोई ऐसा एंगल देखा जहाँ पे आपके पास 75 डिग्री चाहिए वो साइन के अंदर हो कोस के अंदर हो टेन के अंदर हो या कोट या सेक कोसेक किसी के भी अंदर हो, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है? तो जवाब क्या होगा कि आपने ऐसा अभी तक नहीं पढ़ा है, क्या ऐसा कोई एंगल आ गया ही नहीं। तो इस तरीके की जो वैल्यू, यानी मैंने क्या कहा था बच्चों कि एंगल ये नहीं होते 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं पे ही अभी तक आपकी हमारी जो भी ट्रिग्नोमेट्री घूमती रही है। लेकिन अब अलग अलग तरीके के एंगल होंगे, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उनके लिए क्या फॉर्मूले जनरेट होंगे। ठीक है, और बच्चों कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि वो हाँ कि मेरे तो सारे याद रह जाए, तो बच्चों ऐसा संभव नहीं है।
सारे एंगल की वैल्यू याद रही है जरूरी नहीं है, हाँ लेकिन फॉर्मूले यदि याद हो तो आप कोई भी एंगल हो उनकी सहायता से वो पता कर सकते हो। मेरा जो कहने का मतलब है वो बच्चों समझ आया या नहीं आया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि भाई हम जो एंगल होते हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा होते हैं, 0, 0.1, 0.2 इस तरीके से कितने सारे एंगल होते हैं, उन सब की वैल्यू याद नहीं रखी जा सकती। उनके लिए इन फॉर्मूलों को जनरेट कर दिया गया है, यानी यदि ये फॉर्मूले याद हो तो जो मुख्य कुछ मान याद हो तो हम उसकी सहायता से सारे याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 775 का फॉर्मूला याद है, सॉरी जो ये फॉर्मूला याद है लेकिन वैल्यू याद नहीं है कैसे, तो फॉर्मूला यदि याद है तो वैल्यू पता की जा सकती है। 75 को ऐसे दो पार्ट में कर दो जिनकी आप क्लियरली वैल्यू जानते हो, तो क्या मैं इसे साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? तो जवाब क्या होगा, हाँ ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा संभव है। तो अब बात आती है आगे बढ़ने की, यदि ऐसा लिखा जा सकता है तो फिर थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, इस प्रोसेस को तो समझिए ना। तो यदि ऐसा संभव है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए की जगह तो आपको 45 दिखेगा यानी 45, और बी की जगह आपको स्टूडेंट क्या दिखेगा 30। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो यानी। याद रखना स्टूडेंट यहाँ पे ए और बी कोई एंगल है, कोई कोण है, वो कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, ठीक है? बस समझ आ गई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, इसकी √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, √3/2√2 प्लस 1/√2। तो 2√2 स्टूडेंट यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा √3 + 1। तो यहाँ से मेरे पास साइन 75 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या आ गई, √3/√2 + 1/√2 = √3 + 1/√2। अब बच्चों यदि मैं याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले याद रख लो, कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकते हो। बस समझ आई, और आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए 105 डिग्री होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, तो स्टूडेंट यहाँ पे 45 प्लस क्या हो जाता 60। तो जहाँ जहाँ आपको 30 दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या आता 60 आता। तो यहाँ पर को 60 की वैल्यू तो होगी 1/2 इसकी √3/2 यानी आंसर सेम ये जनरेट हो जाता। तो देखिए ये मेरी याद नहीं थी भी कि मैं अगर मान लो मेरे वैल्यू याद ना हो कि साइन 75 कितना है, साइन 105 कितना है, तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ऐसे दो एंगल के योग या अंतर यानी ऐड या सब्सट्रैक्शन के फॉर्मूले में लिखते हैं। हाँ लेकिन अभी हमने केवल एडिशन पढ़ा है यानी योग पढ़ा है, तो सिर्फ एक बार योग के केस के ऊपर आते हैं तो बताइए बच्चा बात समझ आ गई। सेम यही प्रोसेस आप कोस के लिए लगा सकते हो, सेम यही प्रोसेस आप टेन के लिए लगा सकते हो, सेम यही प्रोसेस है कोट के लिए लगा सकते हो। हाँ यदि किसी स्टूडेंट के माइंड में ये हो कि सर ये बना क्यों, भाई साइन ऐसा ए प्लस बी कैसे जनरेट हुआ, तो बच्चों मैं एक बार साइन वाला आपको जनरेट करके बता देता हूँ, ठीक है? उसी प्रोसेस के आधार पे हम इनको जनरेट करेंगे। तो बच्चों इनका यूज समझ आ गया होगा। भाई जो मेनली मेरा कहने का मतलब इन फॉर्मूलों को करवाने का अर्थ यही है कि आपको इनका यूज समझ आना चाहिए, भाई इनको यूज क्यों है, भाई ये क्यों बनाए गए हैं। तो सिंपल सा केस ये है बच्चों कि यदि किसी एंगल को हम क्लियरली नहीं जानते हैं तो हम उसको ऐसे दो पार्टों में तोड़ेंगे जिनका योग या अंतर करने पर वो एंगल आ जाए। जैसे यदि मान लो 15 डिग्री होता 15 होता यहाँ पे, तो उसको लिखता 16 - 45। तो बच्चों इस तरीके से एक बात तो आप स्पेशली याद रख सकते हो कि जो 15 की टेबल में आने वाले जितने भी एंगल है उन सब को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कर तो और को भी सकते हैं, एंगल हाफ का भी फॉर्मूला होगा, ठीक है, एंगल का मल्टीप्लाई बाय 3, यानी बहुत सारे फॉर्मूले अभी हमें पढ़ने हैं जिसमें हमारे शुरू के अब आगे के जो 4-5 लेक्चर है वो सारे फॉर्मूलों पे ही रहेंगे, ठीक है? काफ़ी लंबा चैप्टर है बच्चों ये होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक नई चीज़ और भी एड हो चुकी है आपके, मैंने जैसा कहा एनसीईआरटी की SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल उसके ऊपर भी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यदि एक बार ये समझ आ गया तो आगे की मैथ आपको बहुत ईजी लगेगी, ठीक है?
तो बच्चों प्रोसेस समझ आ गई होगी, सेम यही प्रोसेस आपको कोर्स के लिए, टेन के लिए और कोर्ट के लिए लगानी है और सोल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए मैंने बता दिया, हाँ बाकी साइन वाला फॉर्मूला बना कैसे, उन फॉर्मूलों पे अब हम आते हैं। वो देखो ये मान लीजिए स्टूडेंट कोई लाइन है ए एंगल पे जा रही है और ये इतना सा एंगल है बी, ये पूरा क्या हो जाएगा ए प्लस ए बी। इसके ऊपर लंबवत है और ये लाइन कुछ ऐसे, नाम दे दो पी क्यू एम एन और ये आर और ये एस, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे को लिखना है साइन ए प्लस बी, क्या बच्चों मैं केवल साइन वाला प्रूव करके बता रहा हूँ। इस प्रोसेस के आधार पे कोस टेन और कोट, इस कोस वाला इसी सेम प्रोसेस से होगा, टेन उनका डिवाइडेशन से हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं फिर भी, ए मुझे क्या लिखना है साइन ऑफ ए प्लस बी कुछ ऐसा, ये ओ पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है। मुझे क्या लिखना है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये कंप्लीट एंगल होगा, ठीक है। और जो ए प्लस बी होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, सॉरी वो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अर्थात लंब बटे कर्ण, इसका लंब क्या होगा, ये पूरी कंप्लीट साइड नहीं हो जाएगी क्या, ये कंप्लीट ये कंप्लीट साइड हो जाएगी। तो स्टूडेंट मैं इसको क्या लिखूंगा एम पी अपॉन ओपी, इसको मैं स्टूडेंट क्या लिख सकता हूं एम पी अपॉन ओपी। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है तो एक एक बात को ध्यान से समझिए, कोई डाउट आता है तो क्लियर रखना है, ठीक है। थोड़ी सी सिंपल सी प्रोसेस है, यानी एंगल्स को ही आपस में हमें क्या करना है इस तरीके से चेंज करना है, कोई डाउट है बच्चों। देखो भी इतनी बात समझ आ गई क्या, जो मैं कह रहा हूँ कि साइन ए प्लस बी जो आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हाइपोटेनियस ओपी नहीं है, हाइपोटेनियस ओएम है, ठीक है ठीक है क्लियर। आपको तो सर सिद्ध करना नहीं आता, तो आप इस फॉर्मूले को माइंड में रखो भी साइन ए, साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जाती है आर पी अपॉन ओ आर मेरे को बनाना पड़ेगा, इतनी बात क्लियर हुई। वो कैसी आएगी, वो सब बातें यहीं से ही जनरेट होगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी, ओ एम एम पी अपॉन ओ एम, एम पी के स्टूडेंट यदि मैं क्या कर दूं थोड़े से पार्ट कर दूं, याद देखना ये एंगल इसके लाइन को मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब यदि मैं क्या करता हूं, मैं एम पी के पार्ट कर दूं तो एम पी के पार्ट क्या होंगे, एम आर प्लस आर पी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हाँ या ना, मैं सिर्फ जवाब दीजिए बच्चों। मैं क्या कर रहा हूं, इसके पार्ट कर रहा हूं, मैं इसके पार्ट कर रहा हूं एम आर प्लस आर पी, यही काम करते हैं, कुछ ऐसा पार्ट कर लेते हैं। चलो एक बार एम आर प्लस आर पी लिखते हैं, एम आर प्लस आर पी OM। बताइए बच्चों यहां तक कोई डाउट है, एक एक बात को स्टूडेंट आराम से दिमाग में बैठानी है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक प्रोसेस को दिमाग में बैठाइए आराम से। देखिए भी मैंने अभी तक जो बात बताई है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। मैं सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने यहां से दो लाइन ले ली अलग अलग एंगल पर, एक एंगल पर ले ली मैंने ए पर और एक ले ली एंगल बी पर, ठीक है यही है। और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है। तो जो ए एंगल है उसके लिए हमें दो बातें चाहिएगी, देखो समझने की कोशिश करो, जो मैं बताऊँ एक चाहिए हमें साइन ए और एक चाहिए कोस ए। तो इसके लिए साइन ए मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इसके लिए क्या होगा एन क्यूब अपॉन ए, तो इसको फिर एम एस में तोड़ेंगे हम, ठीक है। इसको स्टूडेंट हम एन एस प्लस
SP कुछ ऐसा लिखेंगे क्यों, जिससे हमारी थोड़ी सी प्रोसेस इजी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लिखेंगे क्योंकि अब आपको सर पता कैसे चला, तो पता चलने का बेटा सिंपल सा रीजन ये हो जाता है कि जो PS है वो आपकी NQ के इक्वल है। तो मुझे क्या चाहिए, जो रूल के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण, अब मुझे सिर्फ ये साइड चाहिए और इसके लिए मुझे ऊपर वाला ट्रायंगल चाहिएगा। क्या चाहिए, ऊपर वाला। तो ये इसका क्या है, बेस, और ये अपॉन हाइपोटेनियस। नहीं है क्या, बस मैं जा रही है मैं क्या यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इनको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग करता हूँ। अब इनको क्या करता हूँ स्टूडेंट, अलग अलग करता हूँ। तो अलग अलग करूंगा तो ये हो जाएगा MS अपॉन OM प्लस SP अपॉन OM। क्लियर हुआ। तो देखो सबसे पहले मैं पहले वाले पार्ट को बना रहा हूँ साइन ए। तो स्टूडेंट डायग्राम को देखो आप, साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा, NQ अपॉन ON। तो गौर से देखो तो मैं MS लिखा है क्या हमने, SP, MS और SP, तो मुझे SP पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो SP इक्वल NQ है या नहीं है, है ना। तो मैं SP को NQ अपॉन OM यदि लिखूं तो NQ मुझे OM नहीं चाहिए, एक बार मुझे इसके डिवाइड में OM नहीं चाहिए, मुझे इसके डिवाइड में क्या चाहिए, ON चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी तरफ से ON कर दूं। क्लियर है, तो स्टूडेंट सिर्फ ये रिजल्ट देखना है एक बार, NQ अपॉन OM क्या बने, डॉट ON अपॉन OM कुछ ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यस और नो, आराम से देखिए और मुझे बच्चों इस बात का जवाब दीजिए कि ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो मैंने इसका किया वो बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी। क्या किया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई, मुझे ये बनाना था साइन ए कोस बी, यदि सिद्ध करना हो तो मुझे क्या बनाना है, साइन ए कोस बी। तो साइन ए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो क्या होगा, NQ अपॉन ON। तो मैंने NQ अपॉन, सॉरी यहाँ पे ON करना था बच्चों, मुझे ON बनाने के लिए मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले मैंने इसको जो PM है इसको MS प्लस SP में तोड़ा। अब आप कहोगे सर रीजन, तो रीजन बच्चों क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि इसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इस वजह से याद रखना है, आगे बात दिमाग में इतनी। इसको भी मैं इसके ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा, आप देखते जाओ। इसके बाद मैंने ON डिवाइड में लगाई तो ये क्या बन गया, NQ अपॉन ON, और मेरे पास जो एक्स्ट्रा आया वो क्या आया, ON अपॉन OM। तो गौर से देखो ON क्या है, ये, और ये आधार और ये इसका कर्ण, तो बेटा, तो बच्चों ये बात क्लियर हो जाती है। तो यहां से ये तो बन जाएगा आपका साइन ए और ये क्या हो जाएगा कोस बी। देखिए आधा पार्ट सिद्ध कर दिया, समझ आया नहीं है, प्लस वाली प्रोसेस भी करेंगे अभी। क्लियर है बच्चों, यानी NQ अपॉन ON, NQ अपॉन ON लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, साइन ए। ऊपर वाला जो राइट ट्राइंगल है इसके लिए देखिए आप, हमने सिद्ध कर दिया अभी ये बी है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। बस समझ आई बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ON अपॉन OM, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, यानी आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस बी। ठीक है, अब स्टूडेंट बारी आती है, यानी साइन ए कोस बी बन गया, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें कोस ए साइन बी। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, कोस ए साइन बी। अब बारी आती है SP और OM की, OM साइन बी के लिए बच्चों मुझे ये बुझा चाहिए, यदि मैं साइन बी जाऊं तो मुझे MN चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, साइन बी क्या होगा, MN अपॉन OM होगा। तो फिर मैं एक काम करता हूं, इसमें SP अपॉन OM MN से ऊपर नीचे मैं क्या कर देता हूं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, तो MN अपॉन OM दो टी हो जाएगा SP अपॉन MN। ठीक है, MN अपॉन OM क्या होगा बच्चों, वो देखो MN आपकी ये री, देखिए ध्यान से देखो, ये B है तो ये परपेंडिकुलर, OM ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस। तो लंब बट्टे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्टूडेंट क्या हो जाता है,
वो क्या होता है साइन, और लेकिन एंगल क्या होगा बी, तो ये हो जाएगा साइन बी। अब मुझे क्या प्रोसेस सिद्ध करनी है, एस पी अपॉन एम, एस पी सॉरी एस पी एम एस है बेटा ये सॉरी एस पी की जगह यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं एम एस, ठीक है एम एस, ओके एम एस ये रही, ठीक है, और एक मैंने कह लिया एम एन ये रही, तो ये एंगल इस बी के इक्वल होगा, ठीक है ये एंगल है बेटा वो इस बी के क्या होगा इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है इक्वल होगा, उसकी वजह से ये क्या देगा आधार बट्टे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये अपने को क्या देगा कोस बी देगा। तो यहां से प्रूव हो गया नहीं हो गया बच्चों कि हमने क्या सिद्ध कर दिया कि साइन ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है साइन ए कोस बी प्लस सॉरी कोस ए होगा सॉरी ए के इक्वल होगा बेटा ये कोस ए साइन बी इस ए के इक्वल होगा, ठीक है ये ए है, रीजन समझ आ गया होगा क्यों होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ठीक है ये 90 माइनस ये 90 तो ये बचा हुआ ए हो जाएगा, ठीक है ये ए है तो ये एकांतर कोण होने की वजह से अल्टरनेट एंगल ये भी ए होगा और फिर ये भी क्या हो जाएगा ई, क्योंकि ये भी 90 है ना वो तो 90 माइनस 180 करोगे तो वो ए आएगा, क्लियर हो गया बच्चों सॉल्यूशन। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये बेटा ये ए है ठीक है कोस ए, एक बार बेटा इसको देखो आपको कोई डाउट लग रहा है तो बताओ, बच्चों कोई डाउट लग रहा है क्या आपको, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ जिनको ये टेंशन हो रही है किस तरह से एग्जाम में आ गया, तो बच्चों तो ऐसा ही एग्जाम में नहीं आता प्रूव करना, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया गया भी आपको ये पता रहे भी ऐसा बना क्यों है, ठीक है सेम यही प्रोसेस बच्चों कोस के लिए रहेगी, तो कोस ए प्लस बी का आप खुद सिद्ध करोगे, ठीक है कर सकते हो इतना, तो साइन ए प्लस बी का कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एक बार आप इतना ही याद रखो कैसे बना, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता दिया है कि भी इस वजह से ये फॉर्मूला ऐसे जनरेट हुआ है, बाकी एग्जाम में ऐसा कभी बच्चों नहीं पूछा जाता है। कोस का आप जनरेट करोगे टेन का और बता देता हूँ, ठीक है उसकी और टेन के तरीके से कोट का आप जनरेट करोगे फिर अपने आप, तो आपकी सारी प्रोसेस दिमाग में फीड हो जाएगी। देखिए टेन का बच्चों बहुत सिंपल फॉर्मूला है भी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस सॉरी माइनस बच्चों साइन ए साइन बी, और टेन ए प्लस बी क्या होता है टेन को यदि स्टूडेंट आपको याद हो मैं साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय कोस ए प्लस बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ये सुनो लिखा जा सकता है ना, तो बस फिर क्या करो इनको डिवाइड में ले लो तो क्या आ जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइड बाई, इसको थोड़ा दूर लिखने का रीजन है मैं बता दूं अभी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक काम कीजिए कंप्लीट टेन दिखे इसके लिए इसको क्या करो, तो यहां पे कंप्लीट टेन हो तो साइन एट आना पड़ेगा और डिवाइड में लगाना पड़ेगा, तो सॉरी कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी से क्या कर दो डिवाइड कर दो, कोस ए कोस बी डिवाइड बाई कोस ए कोस बी और यहां पे भी डिवाइड बाई कोस ए कोस बी। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, कोस बी से कोस बी कैंसल, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन ए प्लस यहां पे कोस ए कैंसल हो गया तो ये हो जाएगा टेन बी, ये पूरा कैंसिल हो गया माइनस वन माइनस ये टेन ए टेन बी, तो रिजल्ट आ गया स्टूडेंट आपके पास टेन ए टेन बी। तो बताइए बच्चों बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर हो गया, तो सेम कोट के लिए बना सकते हो कोस अपॉन साइन करके। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि जो प्लस वाले फॉर्मूले है वो कैसे जनरेट हुए, ठीक है
क्योंकि बच्चों आज क्या लिख सिर्फ एक स्टार्टिंग था ये आपके लिए, इस वजह से थोड़ा हमने ज़्यादा इस पे मैं आज नहीं जोर डाल रहा हूँ। सिर्फ इतनी बात आपको समझ नहीं है कि भी प्लस वाले जो चार फॉर्मूले हमने पढ़े साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और कोट ए प्लस बी, ये चारों आपको बच्चों याद रखने हैं। याद रखने का रीज़न ये दी क्योंकि चार याद हो जाते हैं तो मान के चलो आगे के सारे फॉर्मूले हम अपने आप डिराइव करते जाएंगे, क्योंकि इन चारों के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो नया फॉर्मूला बनता जाएगा। ठीक है, माइनस वाले भी इनके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे और बाकी प्रीवियस नॉलेज आपका याद होना चाहिए। और बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना कैसे वो मैंने आपको डायग्राम ज्योमेट्रिकली प्रूव करके बता दिया। उसी तरीके से कोस ए प्लस बी का यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो, टेन का कैसे बना वो आप देख सकते हो, कोट जैसे टेन का बनाया वैसे कोट का बनाया। ठीक है बच्चों, तो इतना काम आपको तैयार करना है और आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको अब करवा दिया जाएगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। बस याद रखिए कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, तो यदि जिन बच्चों ने बुक अभी तक नहीं ली है मार्केट से तो वो उपलब्ध हो जाएगी थोड़े दिनों में, फिर बुक खरीद लेना। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।